ओम शांति। आज की तारीख है 28/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। प्रश्न है, सारे ज्ञान का सार क्या है? मनमना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, सारे ज्ञान का सार ये है कि अब हमको घर वापस जाना है। आत्मा कहती है कि मुझे अपने घर वापस जाना है। ये छी छी दुनिया, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर ये याद रहे तो भी मनमना भव हुआ। बाबा कहते अगर ये बात भी याद रखी कि मुझे घर जाना है तो भी मनमना भव हुआ। मनमना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे और वो बाबा से मीठी मीठी रू रिहान करते रहेंगे। प्रश्न दूसरा, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? उत्तर है, आप गंदे चित्र देखते हो। अगर गंदे चित्र देखते हो, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ गई तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है दोजख का द्वार जो वृत्तियों को खराब कर देता है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, सुखदाता के हम बच्चे हैं। हमें सबको सुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। नंबर दो, पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, एब्सेंट नहीं होना है। वरदान है सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाली रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की सौगात देते हैं कि रूहानी बच्चे हर रोज स उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का एक उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिटने की जो मेहनत करनी पड़ती है उससे वो छूट जाएंगे। या उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नई लगानी पड़ेंगी, खुशी में नाचने उड़ने का और फरिश्ते बन जाने का। स्लोगन है, ड्रामा के राज को समझकर नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।